आराम से आराम से आराम से। अभी सामान्य है, पूरी तरह से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, धारा 144 जो है चांदो में प्रशासन ने लगाई है उसका शांति सुरक्षा के लिए हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। बकोरिया में 2 व्यक्ति को डिटेन किया गया है, चांदो में 6 लोगों को डिटेन किया गया है और पूरी तरह से हम लोगों की कोशिश है कि जो क्षति हुई है, जो भी आपसी झड़प के कारण, उस क्षति को प्रशासन जो है अपने FIR के माध्यम से निश्चित रूप से सामने ला रहा है और उनके दावे को भी करते हुए जो भी उचित मुआवजा है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रजाक मियाँ और नसरुद्दीन मियाँ को भी चोट लगी थी, उनका भी इलाज कराया जा रहा है और हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 पुलिस पदाधिकारी, 2-3 पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी थी, उनका भी प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। तो कुल मिला के DC साहब और मैं स्वयं वहाँ पर कल रात से लेकर अभी तक हूँ। अभी मैं मीडिया से हम लोग दोनों मुखातिब हुए हैं ताकि अफवाहों से लोग बचें और हमारी जो प्रयास हैं सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, वो प्रयास हमारे पलामू की पूरी जनता तक जाए और